सब्सक्राइब करें आदित्य मोटरबाइक चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, जिससे आपको हमारे वीडियोस की न्यू अपडेट मिलती रहे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं TVS की Apache RTR 204V का। इसके बारे में बताने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स आप हमारी वीडियोस को देख लेते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, मैं आपको इसकी फुल डिटेल देता रहूँगा। तो यहाँ मैं कंपेयर करूँ Apache RTR 204V को पुरानी Apache से, तो इसमें आपको लुक्स में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसमें आपको एट्रैक्टिव सा लुक देखने को मिलता है और यहाँ आपको RTR 204V की भी स्टिकरिंग देखने को मिलती है। और ओवरऑल इसमें डिज़ाइनिंग, इसमें ग्राफिक्स में जो डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक्स का जो कलर है, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। और यहाँ आपको Apache की स्टिकरिंग देखने को मिलती है, जो आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ में देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, इसकी इंस्पिरेशन लेकर ही कंपनी ने Apache 160 को लॉन्च किया था। तो यहाँ बात करता हूँ मैं अब इसके एग्जॉस्ट के बारे में। तो इसके एग्जॉस्ट में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया है, बहुत सारे चेंजेस हैं इसके एग्जॉस्ट में भी। इसमें आपको डबल बैरल साइलेंसर देखने को मिलता है, जो बहुत स्मूथ साउंड प्रोड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स 200cc की बाइक में आपको ओवरऑल लुक्स जो बहुत अट्रैक्टिव मिलता है, बहुत ही नेकेड स्पोर्ट्स बाइक आपको यहाँ पर मिल जाती है 200cc की सेगमेंट में। अब बात करूँ मैं इसके रियर लुक की, तो सेम रियर लुक आपको देखने को मिलता है जो मैंने आपको हमारे वीडियो में 160 में भी दिखाया है। लेकिन इसका रियर लुक इतना अट्रैक्टिव, इतना गुड लुकिंग क्यों दिखता है, इसकी टायर की विड्थ के कारण इसका जो रियर लुक है वो काफ़ी हद तक बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको येलो कलर का छोटा सा बल्ब मिल जाता है नंबर प्लेट के पास, जो आपकी नाइट में आपको नंबर प्लेट को विजिबल करा देता है। और यहाँ बात करूँगा मैं इसके इंडिकेटर्स की, इसके इंडिकेटर्स की डिज़ाइनिंग बहुत से इंप्रूवमेंट किए गए हैं और बहुत फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स हैं। उतने फ्लेक्सिबल नहीं है जितने आपको TVS रेडियन में देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ फ्लेक्सिबल है। और टेल लाइट की डिज़ाइनिंग बहुत अट्रैक्टिव है। ओवरऑल लुक्स है ना बाइक का फ्रंट्स बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही अच्छा है। साइड लो दिखा देता हूँ तो आप इसको और अच्छे से देख सकते हो। अब बात करते हैं उसके इंजन टाइप के बारे में। इसमें आपको 197.75cc का ऑयल कूलेट सिंगल सिलेंडर 4-valve इंजन मिल जाएगा। और ये आपको इंजन दो वेरिएंट मिलेगा, एक कार्बोरेटर और एक फ्यूल इंजेक्टर। इन कार्बोरेटर की पावर की बात करी जाए तो इसमें आपको 20.5 PS की पावर एट द रेट 8500 का पावर मिल जाएगा। और टॉर्क इसमें आपको 18.1 Nm एट द रेट 7000 RPM का इसमें आपको टॉर्क मिल जाएगा। और यही बात करूँ फ्यूल इंजेक्टेड इंजन के पावर की, तो इसमें आपको 21.1 PS का इसमें आपको पावर मिलेगा और आपको दोनों में सेम टॉर्क मिलेगा। तो अब बात करता हूँ उसके फ्रंट लुक से। तो उसके फ्रंट में आपको एक विंडशील्ड मिल जाती है, मतलब एक छोटे से विंडशील्ड मिल जाती है एयर को पास करने के लिए। तो ये आपकी राइडिंग बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपका बजट 1.10 lakh के समथिंग है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ये Apache RTR 200 लें TVS की, जो कि गुड लुकिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है लुक्स में भी। और इसमें आपको देख सकते हैं कॉर्नर्स में छोटे से LED DRLs मिल जाते हैं, प्लस इसमें आपको हेलोजन हेडलाइट मिलती है। सो ओवरऑल लुक बाइक का अट्रैक्टिव है, मतलब 200cc के सेगमेंट की बाइक में आपको ओवरऑल लुक जो अच्छा मिलता है, अच्छी पावर है इसमें, बहुत कम्फर्टेबल है। तो सीट भी अच्छी कम्फर्टेबल, वो आपको आगे की वीडियो बताता रहूँगा, तो आप देखते रहें। तो अब मैं बात करूँगा इसके टायर्स के बारे में। तो इसमें आपको फ्रंट में 270mm के पेटल डिस्क मिलेंगे। और इसमें बात करूँ इसके टायर की विड्थ के बारे में, तो इसमें आपको 90x90 का फ्रंट टायर की विड्थ मिलेगा। और इसमें आपको न्यू अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं TVS रेसिंग के साथ, इसमें आपको TVS के टायर्स मिलते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, टायर से ग्रिपिंग अच्छी, कंफर्टेबल, परफेक्ट है। और यहाँ आपको TVS रेसिंग की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। यहीं बात करूँ मैं बैक के टायर के बारे में, तो इसमें आपको 240mm का रेयर का ब्रेक डिस्क ब्रेक मिलेगा, पेडल डिस्क मिलेगा आपको। और बात करूँ इसके विड्थ की, तो इसमें आपको 130x70 का टायर का विड्थ मिला, जो कि अच्छी विड्थ है, अच्छा कम्फर्टेबल टायर, बड़ा टायर है। और इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगा विद न्यू अलॉय व्हील। यहीं बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में,
तो बड़ा हाईटेक सा इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको देखने को मिलता है, जो 3-2-1 गो का इंस्ट्रक्शन देता है और इससे राइडर को भी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। और बेसिक से इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको देखने को मिलता है और इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जो सारे बेसिक से इंस्ट्रक्शन देता है। न्यूट्रल फ्यूल लो है वो भी बता देता है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर। और यहीं बात करूँ मैं इसके स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी की, स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है। मटेरियल जो यूज़ हुआ है वो भी बहुत अच्छा है, सारे स्विचेस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, पास का, लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स। और ये बात अच्छी है फ्रेंड्स, इसमें आपको इंजन किल स्विच भी देखने को मिलता है, तो आप इससे डायरेक्टली आपकी बाइक को वहीं से ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, आपके इस अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके आप टैंक देखें तो टैंक में भी आपको यहाँ देख सकते हैं RTR 200 का इसमें आपको स्टिकरिंग मिलता है और इसमें आपको कॉर्नर पर आपको इसमें फ्यूल का लिड मिलता है, तो ये अच्छी जगह अच्छी पोजीशन पर इसमें आपको देख सकते हैं रेस एडिशन 2.0 लिखा है। पेंट जॉब की बात करी जाए तो बाइक का पेंट जॉब काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है, शाइनिंग से इसमें आपको पेंट जॉब मिलता है जो ग्राफिक्स के कारण आपकी बाइक को एक अट्रैक्टिव सा लुक देता है। और अब बात करें इसके सीट के बारे में तो अच्छी कंफर्टेबल सीट मिलती है इसमें आपको, जो पिलियन सीट है वो भी बहुत कंफर्टेबल है और जो राइडर सीट है वो भी बहुत कंफर्टेबल है। और ये बात अच्छी फ्रेंड्स, इसमें आपको जो पिलियन सीट है ना वो आपको अच्छी कुशनिंग के साथ मिलती है और अच्छी बड़ी पिलियन सीट मिलती है जो आपको KTM ड्यूक 200 में देखने को मिलती है, बहुत छोटी पिलियन सीट मिलती है तो वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन ये सीट बहुत ही कंफर्टेबल है। तो ये एक अच्छी बात है, बस दोनों सीट अच्छी कंफर्टेबल मिल जाती है, उनकी जो कुशनिंग है वो ही बहुत अच्छी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो की एंड में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई बाइक बाय करें तो हेलमेट बाय करना ना भूलें, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी का सबसे पहला रूल है। आप उसे बाय करें फिर ही इस बाइकों को कंफर्टेबल राइड करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारे वीडियो में इतना ही, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर कुछ डाउट्स है आपको अपाची 200 4V से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।